कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। टिकट बांटी गई हैं और अब विधानसभाओं में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो चुका है। इसी बीच बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में नंबर एक पर पीएम मोदी का नाम है। वहीं मुख्यमंत्रियों के नामों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जगह दी गई है। लिस्ट में टॉप 5 में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के नाम है। वहीं सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ को 22वें नंबर पर जगह दी गई है। उनके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जगह मिली। कर्नाटक के नेताओं में सीएम बोम्बई, बीएस येदियुरप्पा और नलिन कुमार कटील के अलावा 40वें नंबर पर तारा अनुराधा का नाम शामिल है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 20 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियों की फिलहाल जानकारी है। योगी आदित्यनाथ की 26 और 30 अप्रैल के अलावा 6 मई को कर्नाटक में रैली है। राज्य में चुनाव प्रचार का अंतिम चरण 6 से 8 मई तक हो सकता है। इस लिहाज से पीएम राज्य में उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो कांग्रेस और जेडीएस के गढ़ रहे हैं। ये चुनावों का ही असर है कि इस साल पीएम मोदी 4 महीनों में 8 बार कर्नाटक गए, यानी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक साल में सबसे ज्यादा राज्य के दौरे पर रहे। चुनाव के लिए पार्टी प्रबंधकों ने राज्यों को जिन 6 क्षेत्रों में बांटा है उनमें से प्रत्येक में पीएम मोदी की कम से कम 3 रैलियां हैं। इनमें से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में जहां करीब 40 विधानसभा सीटें हैं वहां पीएम की और रैलियां हो सकती हैं। मोदी के मुकाबले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से महज 15 सीटें ही जीत पाई थी, यानी कि इस बार मुकाबला और तगड़ा होने वाला है।